नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वायनाड की जनता ने केरल सरकार की लापरवाही की चुकाई कीमत। सीएम पिनराई विजयन पर भड़के भाजपा नेता। केरल में लैंडस्लाइड से हुई तबाही को देखकर पूरा देश चिंतित है। अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग लापता हैं। आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस बल प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। वहीं देश के विपक्षी नेताओं ने इस आपदा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इस आपदा को लेकर केरल सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा में गृह मंत्री ने कहा कि अगर समय रहते केरल सरकार सही कदम उठा लेती तो इतना नुकसान नहीं होता। अमित शाह के अलावा भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने भी इस आपदा को लेकर पिनाराई विजयन सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वायनाड का मुंडक्कई गाँव भूस्खलन के सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस इलाके को आपदा प्रबंधन योजना में 18 भूस्खलन प्रबंध स्थानों में से एक के रूप में पहचाना गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब केरल राज्य सरकार के लापरवाह रवैये के कारण इस क्षेत्र के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि ये भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र संवेदनशील इलाकों में से एक है, फिर भी क्षेत्र में 300 से अधिक अवैध निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं को बंद करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि इस आपदा को लेकर केंद्र सरकार ने एक हफ्ते पहले यानी कि 23 जुलाई को ही केरल सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन केरल सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि गृह मंत्री के इस दावे का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खंडन किया। आपको बताते चले कि इस आपदा की वजह से अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।